हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पटवारी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न में 19 दिसंबर की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई है उसमें जो जो क्वेश्चंस पूछे गए आज उसको हम देखेंगे। चलिए देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कमर्शियल कैपिटल ऑफ एमपी क्या है, तो कमर्शियल कैपिटल ऑफ एमपी जो है उसका है इंदौर है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पांडव केव्स कहाँ है, जो पांडव केव्स है वो कहाँ पर है, तो वो है पचमढ़ी में, तो इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। पचमढ़ी इसका आंसर हो जाएगा, तो पांडव केव्स कहाँ है पचमढ़ी में, तो पचमढ़ी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज इज फ्रेंच, तो इसका आंसर है पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी की जो स्टेट है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, तो पौंडीचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौंडीचेरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइस लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है बालाघाट एमपी में, तो इसका आंसर हो जाएगा बालाघाट। ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, जम्मू एंड कश्मीर की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, तो उसका आंसर है महबूबा मुफ्ती, तो महबूबा मुफ्ती उसका राइट आंसर है, तो महबूबा मुफ्ती इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वन विहार नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुआ, तो ये हुआ 1983 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अडेगांव फोर्ट कहाँ है, तो इसका आंसर मेरे को मिला नहीं है, अगर आपको इसका आंसर मिला हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उस्ताद बिस्मिल्ला खां इस रिलेटेड टू, तो वो है शहनाई से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाता शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अटेर फोर्ट कहाँ पर है, जो अटेर फोर्ट है वो है भिंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा भिंड, भिंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोल लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ है, जो कोल का लार्जेस्ट प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, तो वो होता है चाइना में, तो इसका आंसर था चाइना, चाइना इज द राइट आंसर। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड है, जो पार्ट 4A है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं आने वाले जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।